को बाइक वाइक का कोई एंट्री दिया नहीं है, तो अपन लोग बाइक यहाँ पे लगा दिए और फिर अभिषेक और फिर मैं अपन लोग। ये वाला ना मेरे को खास करके अच्छा लग रहा है, प्लस साइड साइड में जो ग्रीन वाला है ना बीच में दिया हुआ है, जो कि जाम देख रहा हूँ। देखो मर्सिडीज है भाई, ये देखो फोर्स भाई आगे गाड़ी को निकालते हुए, कोई नेता जा रहा है क्या इसमें देखो। और इधर के साइड चला जाता है रामचंद्रपुर, बट अपने को रामचंद्रपुर नहीं जाना। ये देखो कैसे क्रॉस करा भाई, कोई पुलिस ही सामने नहीं आ रहा तो क्रॉस तो ऐसे ही होगा ना फिर। ये अपना बरगद का पेड़ है भाई, मतलब पहले ना जब छोटे थे ना तो। जय श्री राम गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने बोला था, नालंदा रेलवे स्टेशन वाली वीडियो में ही, कि अपन लोग पावापुरी की तरफ फोर लेन आप लोगों को दिखाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा धांसू बन चुका है, बहुत ही खतरनाक वाला। तो आज अपन लोग वहीं पे जा रहे हैं और आज अपन लोग सोचे थे अपना R15 लेके आ जाएंगे सर्विसिंग सेंटर से, बट गाइज उसमें एक प्रॉब्लम आ गई, वायर फिर से नहीं आया। मेरे को सुबह बुलाया, अपन लोग गए, बोला कि वायर आ गया, बट वहाँ पे वायर नहीं आया था, क्योंकि अपना वायरिंग थोड़ा सा चूहा काट दिया था, उसके कारण शॉर्ट लड़ गया था, तो पूरा वायरिंग चेंज होना था, बट अभी नहीं आया। तो अपन लोग फिर से घर पे आए और फिर अभी निकल रहा है, लाइक अभी 3 बज रहा है और इस टाइम अपन लोग जा रहे हैं फिर से पावापुरी की तरफ वीडियो बनाने के लिए, मतलब दोबारा हो गया यार। तो चलो अभी अपन लोग चलते हैं और फिर आपको पावापुरी का 4 लेन दिखाते हैं गाइज, कितना भयानक वाला हो चुका है। सो मेरे साथ है अभिषेक जो कि ड्राइव करेगा बाइक, देख सकते हो हेलमेट ब्लैक प्लस बाइक ब्लैक ब्लू ब्लू। और ये देखो गेहूँ, मतलब इधर कट भी चुका है, इस तरफ तो देखो ना भाई, मतलब गेहूँ अलग हो चुका है, उसका कुट्टी होता है ना वो मशीन से अलग हो चुका है। तो आजकल मशीन का ज़माना आ गया ना, तो भाई रात में भी सारे लोग मशीन चलाते हैं और गेहूँ अलग हो जाता है और कुट्टी उसका अलग हो जाता है। ये देखो इधर भी कट चुका है, इधर भी रात में मशीन आएगी, सारे लोग बोझा बनाएंगे पहले बांध के, उसके बाद बारी बारी से उसमें डालेंगे और गेहूँ अलग और इसका जो भी है कुट्टी बोलते हैं हम लोग गाँव में, जो कि जानवर ही सब खाता है, गाय भैंस है सब, तो वो अलग हो जाता है। तो चल भाई अभिषेक, ये देखो अभिषेक हेलमेट खोल दिया फिलहाल, बट रोड पे अपन लोग एंट्री लेंगे ना तो वहाँ पे हेलमेट पहन लेगा। ये अपना बरगद का पेड़ है भाई, मतलब पहले ना जब छोटे थे ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा झूला झूलते थे अपन लोग आके और डरते भी बहुत थे, बट अभी क्या है ना, अभी बड़ा हो चुका है ना तो अब डर उतना ना लगता है, बट पहले तो बहुत डरते थे। और फिर इधर देखो यार भुट्टा भाई, मतलब ये ना मैं एक से मान के चलो ना 15 से 20 दिन बाद ना अपन लोग भुट्टा उसे तोड़ के खा सकते हैं, उस लाइक हो जाएगा। अभी छोटा छोटा हो रखा है भुट्टा, देख लो सारा खेत में, वो वाली तो भाई 20 दिन में एकदम कन्फर्म भुट्टा खाने लायक हो जाएगा। ये वाला देख रहा भाई, हमारे तरफ ना खेती काफ़ी फास्ट होती है, इधर सारे लोग खेती मस्त करते हैं, कौन सा पक्षी है यार। सो भाई ये वाला रास्ता तो याद होगा ना, मगड़ा मेला लगा था और फिर ये मगड़ा का रूप से ही अपन लोग आगे साठोपुर होते जाएंगे, पंचाने नदी और फिर डायरेक्ट 4 लेन। देख रहा हो आगे एक मर्सिडीज ऑडी था शायद, ऑडी फिर फॉर्चूनर भाई हमारी तरफ भी चल रहा है। आज ऐसा सुने ना, आज नीतीश कुमार इधर आ रहा है, ऐसा सुनने को मिला है नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, बट पता नहीं आए कि नहीं है। सुबह के टाइम ना जब हम जा रहे थे ना बाहर बाइक के लिए, तो उस टाइम देख रहे थे RJD का बहुत सारे लोग थे, प्लस फोर्स तो पूछो ही मत कितना सारा फोर्स था यार, मतलब भरा हुआ था एकदम। और अभी अपन लोग साठोपुर पहुँचे हैं भाई, ये भी देखो गाँव टाइप का ही है भाई, गाँव ही है साठोपुर, ये तो मान लो। भाई ये देखो पंचाने नदी आ चुका है, नीचे वाला रोड उधर से था पहले, बट अब उसको तोड़ के ना ये वाला पुल बना दिया, क्योंकि यार यहाँ पे ना बहुत पुराना पुल था जो कि पानी के कारण काफी ज्यादा टूट रहा था। क्या रोड बन गया? हाँ भाई रोड भी बन गया, भयानक वाला बन गया। ये देख लो नीचे ये पंचाने नदी है, पहले का रोड भी एकदम ये था, अब देखो इधर भी ये भी ढलाई भी मार दिया, ढलाई नहीं पीछे वाला रोड बना दिया। यहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट टूट रहा था जब ये बन रहा था ना पुल, तब इसमें यहाँ पे ना बहुत ज्यादा डस्ट टूटता था। अभी पीछे के साइड जैसे टूटा हुआ है ना उसको भी बना रहा है, वैसे ये तो बन चुका है यार, काफी हेवी वाला चौड़ा हो चुका है, देख सकते हो एक बार में 4 कार तो आराम से चला जाएगा, 4 कार यहाँ से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा पतला हो गया, बट इससे पहले काफी चौड़ा लग रहा था रोड। आजकल ना भाई बिहार में काफी रोड विकसित हो रहा है भाई, जाम देख रहा हूँ, देखो मर्सिडीज है भाई, ये देखो फोर्स भाई आगे गाड़ी को निकालते हुए, कोई नेता जा रहा है क्या इसमें देखो। ये भाई यही होता है ना प्रॉब्लम, जब नेता आएगी ना तो हम लोग को प्रॉब्लम होती है भाई, हम लोग खड़े रहो बस पहले नेता लोग आगे जाएंगे, ये कहाँ का सही सॉल्यूशन है भाई, ये तो मतलब गलत बात है ना। फिर देखो
जाम यार, बाईपास पे पहुंचने वाले हैं। ये देखो, और ये मर्सिडीज, ये फॉर्चूनर लोग आ चुके हैं भाई। देखो फोर्स यार, ये लोग मतलब पहले सारे लोग को पास करवा रहे हैं, फिर अपना इन लोग अपना व्हीकल पास करवाएंगे। वहाँ पे देखो चेकिंग कितना भयानक चलता है। और ये देखो भाई, मतलब पहले का यहाँ पे देखते होगे ना, तो पहले काफ़ी पतला सा था और जाम वाम बहुत ज़्यादा लगता था, बट अभी जाम उतना नहीं लगता है। ये देखो फोर्स, पहले अभी जब सुबह आ रहा था ना, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा फोर्स था ना भाई, पूछो ही मत। बट अभी उतना फोर्स कम है। और इधर के साइड चला जाता है रामचंद्रपुर, बट अपने को रामचंद्रपुर नहीं जाना। ये देखो कैसे क्रॉस करा भाई, कोई पुलिस ही सामने नहीं आ रहा, तो क्रॉस तो ऐसे ही होगा ना फिर। ये देखो अभी भी क्रॉसिंग को लेके जाम होता है, क्योंकि रेड लाइट यहाँ पे नहीं लगा है सिग्नल वाला। और यहाँ पे देखो सारे लोग गप्पे लड़ा रहे हैं, पुलिस वाले बोल रहे थे ना यहाँ पे आरजेडी का कुछ लोग थे, देख लो वहाँ पे फूल वूल माला है सब फेंका हुआ है। और फिर अपन लोग सामने जाएंगे पावापुरी के तरफ, एकदम मस्त वाला। अभी आधा इधर है और आधा बीच से छोड़ के उधर हो रहा है कम्प्लीट भाई, मतलब बहुत भयानक यार। यहाँ पे क्रॉसिंग दिया मस्त वाला, देखो यार पहले ऐसा क्रॉसिंग था कि आप लोग बताना अगर आए होगे तो, डीटीओ ऑफिस वो है। और इधर देखो भाई, साइड साइड से चलियो, साइड से बस वाले को पार होने देना यार। तो हम लोग हेलमेट पहन के ही जा रहे हैं, अभी से हेलमेट पहना हुआ। और ये देखो ट्रक भाई, ऊपर वाला बन जाएगा ना तो काफ़ी हैप्पी हो जाएगा यार, जब चालू होगा ना उस टाइम का तो बात ही अलग है यार, बहुत मस्त वाला हो जाएगा। अभी देख लो ना, अभी काम चल ही रहा है, मतलब लगभग 2024 इसी साल तो कम्प्लीट में भी होप कि स्टार्ट हो जाए, ऐसा सुनने को आ रहा है कि 2024 में स्टार्ट होगा। फाइनली भाई अपन लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अगर राइट साइड यहाँ से जाओगे ना तो नालंदा, जो कि मैंने कल वाला वीडियो डाला था नालंदा वाला, वो इधर से जाने वाला है। और फिर अपन लोग इधर के साइड सामने के साइड जाएंगे, क्योंकि अपने को पावापुरी जानी है। तो पावापुरी का रूट एकदम सामने से है, और फिर यहाँ पे भी चार मोड़ है गाइस, एक इस साइड से आने वाला है जो कि भराव पर से आती है, और इधर सामने के साइड राजगीर की ओर जाती है, और अपन लोग इधर की ओर जा रहे हैं लाइक पावापुरी की तरफ। तो अपने को इधर से ही सीधा चलनी है। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाती है यहाँ पे, बट जैसे ही ये वाली थोड़ा सा क्रॉस होती है ना आगे, तो भाई रोड काफ़ी मस्त वाला हो जाता है। ये देखो रोड दिख रहा है अभी, मतलब कंप्लीट हो जाएगा ना तो ये सब रोड भी सारा कुछ बन जाएगा, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ इसी कारण से ऐसे। और देखो भाई, मतलब फ्लाईओवर पे सारा लाइट वाइट लग चुका है, मतलब लगभग मानो तो 90% कंप्लीट ही हो चुका है, 80% to 85% बोल सकते हैं, 10-15% बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट बहुत जल्दी हो जाएगा भाई। देखो भाई रोड, और साइड में कितना मस्त वाला फील्ड है यार। जब भी ग्राउंड को हम देखते हैं ना, तो मेरे को मन करता है क्रिकेट खेलने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपन लोग खेलते हैं ना गांव में, तो मज़ा आता है यार क्रिकेट खेलने में। तो अपन लोग शायद आप लोग बोलोगे ना, तो अपना गांव का ना क्रिकेट वाली एक वीडियो ही ला सकते हैं अपन लोग, बट आप लोग कमेंट करके बताओगे तब भी लाएंगे, वरना अपन लोग वीडियो नहीं लाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर आप लोग को गाँव का क्रिकेट का वीडियो चाहिए तो। और ये देखो अपना ये जो ब्रिज था ना फ्लाईओवर, ये यहाँ पे एंड होती है, और फिर आगे होगी ना तो 100 मीटर या फिर 200 मीटर बाद, 400 मीटर बाद, 100 मीटर के बाद ही मान लो यार। ये देखो सामने की साइड 100 मीटर है मैक्सिमम, वहाँ से एक ब्रिज और भी स्टार्ट है। तो देखो यार इधर का व्यू काफ़ी भयानक वाला लगता है, ये देख रहे हो ढलाई भाई, मतलब बहुत भयानक वाला ढलाई लग रहा है। यहाँ पे नो एंट्री कर चुका है। ये देखो फ्लाईओवर बनने वाला है, बड़ा बड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, बट ये सब बीच में रखा था, जहाँ पे नीचे भरा हुआ नहीं रहता ना, पिलर पे बनता है ना, उस पर ये सब रखा के बनता है। मतलब काफ़ी मेरे को कंस्ट्रक्शन के बारे में उतना कुछ नॉलेज नहीं है, बट टूटा फूटा सा नॉलेज तो है भाई, कि इतना अपन लोग बोल सकते हैं कि जो भी स्तंभ वाला बनता है ना पिलर वाला, उसमें वो सब डलाता है, वरना ये जो भरा हुआ है ना इसमें, ये सब देखो मान ले कि ब्रिज है ना, तो ये बीच में भरा हुआ है, मतलब बीच में मिट्टी विट्टी डाला हुआ है, तो इसमें ये सब का यूज है नहीं, तो इसी कारण से इसमें वो वाली यूज नहीं होता। और देखो साइड में लाइट लगाने के लिए ना ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखो लाइट लगाने वाला भाई। ये देखो पावर ग्रिड, बहुत ही बड़ा वाला पावर ग्रिड है, और देख सकते हो ये ऑफिस है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, अच्छा वही है इंडिया लिमिटेड है, बट ये वाली पोस्ट महानपुर, ये जगह का नाम है महानपुर। ये देखो ऊपर टीला भाई,
मतलब बहुत सारा मिट्टी डाल के, मतलब ये वाली भी भरा चुकी है ना, क्योंकि यहाँ पे ना कोई स्तंभ वाला नहीं बनेगा, सारा वही भरा के ही बनेगा फ्लाईओवर ये वाली। और ये देखो पावर ग्रिड कितना ही भयानक वाला है यार, मतलब कितना वाट का होगा, लाख करोड़ टन वाट का होगा, मेरे को पता नहीं कितना वाट का है, बट यही कुछ है। और फिर अभी अपन लोग आगे और चलते हैं और फिर आपको और दिखाते हैं जी। यहाँ पे पुलिस वाला गाड़ी ये देख सकते हो। सो भाई अभी तो अपन लोग एंट्री ले चुके, लाइक पावापुरी पहुंच चुके। अभी ना यहाँ का आपको फोर लेन दिखाते हैं, कितना भयानक वाला मेरे को लग रहा है, कितना भयानक वाला है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वेट करो, थोड़ा सा सब्र कर लेना, क्योंकि अभी अपन लोग पहुंचे नहीं, बट थोड़ा बहुत और दूर है, थोड़ा सा डिस्टेंस है। उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कितना भयानक वाला, डायरेक्ट ना आपको फोर लेन पे चढ़ के ही दिखाएंगे। लाइक बाइक तो वहाँ पे नहीं जा पाएगा क्योंकि क्रॉस किया हुआ वहाँ पे, तो अपन लोग पैदल ही वहाँ पे जाएंगे बाइक को साइड में लगा के। भाई सामने के साइड देखो क्या ही भयानक वाला लग रहा है ना ये फोर लेन, देखो मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखो भाई मतलब क्या भयानक वाला लग रहा है ऊपर के साइड। अपन लोग ऊपर के साइड ऐसे ही पैदल जाके देखेंगे, शायद जाने को मिले या फिर ना मिले, बट मिल जाए तो काफी मस्त है। और फिर ये देखो मैं अभी पिछला वीडियो पिछला बार दिखा रहा था ना, थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, ये देखो कितना सारा रखा हुआ है। यही सबसे ना जो भी पिलर वाला बनता है ना उसमें ये वाली यूज होता है, जैसा कि मेरा बिहार शरीफ उधर बाईपास था ना, वहाँ पे सारा यही सब यूज होता है क्योंकि उस पिलर पे बना हुआ है। अभी मैं आपको ना फोर लेन पे ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। देखो बाइक वाइक का कोई एंट्री दिया नहीं है, तो अपन लोग बाइक यहाँ पे लगा दिए और फिर अभिषेक और फिर मैं अपन लोग ऐसे ही पैदल ही जा रहे हैं। लाइक मैंने पिछला वीडियो में बोला था ना, ये देखो ग्रीन कलर का, बट ये ब्लू, और ब्लू तो नहीं ग्रीन ही है मान लो। और ये जो भी रात का टाइम है ना, नाइट का टाइम में रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्ट होती है लाइट के कारण, तो ये वाली लगा हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, प्यारा सा लग रहा है। ये देख रहे हो मतलब कितना हेवी वाला यहाँ पे बनाया गया ना ढलाई वाला, वो तो देख के आप लोग बता ही सकते हो, और कितना भयानक लग रहा ना ये भी आप लोग देख के बता दो गाइस, क्या मतलब रोड बनाया यार, बहुत दमदार रोड है। और लाइट देखो ना, तो लाइट तो और भी तगड़ा वाला, एक नीचे के साइड दिखाने वाला लाइट है, एक ऊपर के साइड, मतलब जैसा मैंने यूपी में देखा था ना फोर लेन जो भी होती है ना फ्लाईओवर वाली लाइट, वो सारा यहाँ पे। और फिर मतलब बहुत भयानक यार, हमारा बिहार ना काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुका है, मतलब और भी हो रहा है और हो भी चुका भी है, मतलब मान के चलो 10% 5% विकसित हो चुका है, और अभी मान के चलो ना तो अभी नहीं भी तो कम से कम 50-70% अभी विकसित होने वाला है, और फिर प्रोग्रेस में है गाइज, आप लोग इतना समझ लो। और ये देखो नीचे के साइड कैसा लगता है भाई, काफ़ी मस्त लग रहा है यार, प्यारा सा लग रहा है। अपना फोर लेन ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद ना अपन लोग डायरेक्ट ना बिहार शरीफ से रजौली का एक ट्रिप मारेंगे, कितना मिनट में वो लोग जाते हैं और कितना अच्छा रोड बना ना वो भी आप लोग को दिखाएंगे। सो भाई फोर लेन तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार, मतलब जो फ्लाईओवर ये वाली है ना, ये वाला ना मेरे को खास करके अच्छा लग रहा है, प्लस साइड साइड में जो ग्रीन वाला है ना बीच में दिया हुआ है जो कि डिवाइड करता है, डिवाइडर है, और प्लस ये जो रिफ्लेक्टर इसमें लगा हुआ है ना जो ऑरेंज कलर का रिफ्लेक्टर, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लुक दे रहा है गाइस, जो कि रात का टाइम में ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है राइडर्स को राइड करने में, जब अंधेरा भी हो ना लाइट बाई चांस ना जले ना, तो ये वाली जो रिफ्लेक्टर लगा है ना काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फायदेमंद हम लोग को, मतलब बहुत ज़्यादा सेफ रखता है हम लोग को। और फिर रोड तो भाई आप लोग देख ही रहे हो कैसा मस्त वाला रोड है, और फिर अपन लोग ऐसे ही आ गए, लाइक अपना R15 नहीं आया ना तो उसके कारण थोड़ा सा अंदर से लगा यार चलो यार थोड़ा दिन और रुकना पड़ेगा, तो शायद 16 तारीख को उसने बोला है कन्फर्म एकदम 100% 16 तारीख को मिल जाएगा बाइक अपना, तो 16 तक अपने को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर R15 साथ है ना तो उसका मज़ा ही कुछ और हो जाता है गाइस, तो थोड़ा सा मनोबल अपना गिरा हुआ है क्योंकि अपना बाइक से नहीं आए। और प्लस 18 तारीख को अपने को एक लगन में जाना है, अपना घर के बाजू वाले का लगन है तिलक है, तो उसी में जाना है, तो बाइक रहेगा तब भी वो सही रहेगा, अच्छा लगेगा, वरना तो भाई बाइक तो है ही बट उसमें थोड़ा सा वो होता है ना, अपना दिल ज़्यादा उस पर लग चुका है R15 पे, और स्प्लेंडर पे उतना नहीं, हालांकि स्प्लेंडर मेरा ज़्यादा यूज में आता है, R15 बहुत कम है, बट एक लगाव होता है ना वो R15 में बहुत ही ज़्यादा है। और फिर मेरे साथ अभिषेक तू भी कुछ बोल दे भाई, रोड कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा भाई सबको अच्छा लग रहा है यार, ये जब से बिहार में बना है ना तब से बहुत सारे लोग को ना हेल्प मिली है, राहत मिला है ना भाई? हाँ, बहुत राहत मिला यार, मतलब ऐसे इतना जाम रहता था ना, मान लो ना बिहार शरीफ से पावापुरी आने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जाम काफ़ी ज़्यादा होती थी और रोड भी सही नहीं था, पतला सा रोड था, उसमें दोनों तरफ से आओ जाओ, प्लस डर भी बहुत लगता था गाइस, क्योंकि जब ट्रक ओवरटेक करती है ना तो उस टाइम तो मानो ना भाई अचानक से ओवरटेक करेगी ना तो तुम्हारा दिल कुछ काम नहीं करेगा, हाथ बात कुछ काम नहीं करता था, ऐसा ट्रक वाले ओवरटेक करते थे, तो उसको लेके ना काफ़ी ज़्यादा इधर एक्सीडेंट भी होती थी, बहुत सारा एक्सीडेंट होती थी, बट अभी बन चुकी है ना
तो भाई मतलब अब तो मानो इधर एक्सीडेंट होती ही नहीं है, बट रात का टाइम में कुछ कुछ ट्रक वाले थोड़ा सा गलतियां करते हैं, वो ना करे तो ज़्यादा सही होगा। तो जो भी ट्रक वाले देख रहे हैं ना वीडियो, प्लीज़ यार सेफ ड्राइव करो, आपके कारण किसी और का लाइफ बच रहा है तो प्लीज़ बचा के चलो, क्योंकि सारे ड्राइवर एक जैसे नहीं होते, बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बट कुछ ड्राइवर के कारण ना सारे ड्राइवर बदनाम होते हैं। देखो अभिषेक यहाँ पे बैठा हुआ और जाने का तैयारी कर रहा है, बट अपन लोग देखते हैं अभी शायद यहाँ से अभी अपन लोग निकले, क्योंकि अपन लोग तो आके दिखा चुके सारा कुछ। ये देखो इधर की साइड तालाब है, शायद इसमें मच्छी वच्छी सारे लोग पालते होंगे। और फिर अपन लोग यहाँ से निकल चुके हैं, लाइक देख सकते हो फोर लेनिंग ऑफ रजौली टू बख्तियारपुर ये लिखा हुआ है ना, ये वाली पढ़ो, फोर लेनिंग ऑफ रजौली टू बख्तियारपुर। तो बख्तियारपुर से रजौली तक का ये फोर लेन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेवी है यार, मतलब बहुत ही दमदार वाला है, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को यार। मतलब अपना बिहार जब विकसित होता है ना तो देखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है और अंदर से कुछ तसल्ली भी लगता है यार कि चलो कम से कम कुछ ना से अच्छा कुछ तो हाँ हुआ ना। आज सोच रहे हैं अपन लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करें, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहना। सो बाय बाय, जय श्री राम गाइस, बाय बाय। कुछ नहीं बोलेगा भाई, मेरे को लगता है ना ये मेरे साथ साथ ना कुछ रिपीट कर रहा था, अभी रिपीट नहीं कर रहा भाई। कुछ बोलना है तो बोल दो, लास्ट बारी बोल दो, कुछ बोलना है क्या बोल दे भाई, जल्दी से, कम ऑन, फास्ट क्विक भाई। कुछ नहीं बोलेगा भाई, ये बोलना चाह रहा था ना कि प्लीज यार सब्सक्राइब करो सारे लोग चैनल को, और जितना हो सके उतना शेयर करो यार, क्योंकि जल्दी से 2K कंप्लीट करो अपना फैमिली का। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से, यही ना बोलना चाह रहा था। चलो ठीक है।